नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम अनिकेत सेठ और आप देख रहे हैं अपन बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं दशाश्वमेध घाट पर आया हूं और यहां से आप सभी को गंगा के जलस्तर को दिखाऊँगा। गंगा नदी में इस समय कितनी वृद्धि हो रही है गंगा नदी के जल में। यहाँ आप देखेंगे दशाश्वमेध भवन, अभी इसका काम कुछ कुछ बाकी है जो कि हो रहा है। अब देखें आप, शंकर जी की प्रतिमा लगाई जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप सभी को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अभी हम दशाश्वमेध घाट पर है, यहाँ से हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जहाँ सीढ़ियों से लोग नीचे उतर कर जाते थे, वो जगह पूरी पानी में डूब चुकी है। बाहर से आए दर्शनार्थी, श्रद्धालु सभी को स्नान करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीढ़ियों पर जगह कम है और आगे पूरा पानी ही पानी है चारों तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जल पुलिस का जो है पूरी तरह से डूब चुका है। नावें यहाँ पर कई सारी खड़ी हैं, जो नावें गंगा में चलती थी उस समय घड़ी गंगा में जो नावों का संचालन है इस समय बंद कर दिया गया है। नावों के संचालन के बाद क्रूज का संचालन भी बंद ही कर दिया गया है। यहाँ लोग, कुछ लोग ऐसे भी है जो कि नहाने से परहेज कर रहे हैं, जल छिड़क कर सिर्फ दर्शन के लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि इस समय गंगा का जलस्तर जो है बढ़ रहा है तेज़ी से और नहाने में काफ़ी खतरा है। यहाँ पर नहाने के अलावा कपड़ा बदलने के लिए भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जगह कम है और देख रहे होंगे लोग सीढ़ियों पर कैसे कैसे, कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, फोटोज़ वीडियोज़ खींचने के लिए भी भीड़ लगी हुई है उस तरफ। ये गंगा माता का जो मंदिर था वो पूरी तरह से, उसमें भी पानी जा चुका है। अभी हम शीतला घाट पर भी चलते हैं और वहाँ से आप सभी को शीतला मंदिर में दिखाते हैं, पानी जा चुका है। अभी हम दशाश्वमेध घाट पर हैं और इसी के बगल में उस तरफ शीतला घाट है। दुकानें आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर लगी हुई हैं, आधे जल। दोस्तों, अभी मैंने आप सभी को दशाश्वमेध घाट पर जो पानी बढ़ रहा है उसको दिखाया है और अभी हम शीतला घाट पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं शीतला घाट की तरफ। और यहाँ मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि गंगा का जलस्तर जो है कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग गंगा नदी में कितना उफान उठ रहा है इस समय। यहाँ पर सारे दर्शनार्थी श्रद्धालु देख रहे हैं आप लोग आए हुए हैं, लोग स्नान करने के लिए परेशान हैं, जगह नहीं बची है स्नान करने के लिए। गंगा आरती के लिए भी स्नान जगह जो है नहीं बची हुई है। आप देख रहे होंगे कि दशाश्वमेध घाट पर जो शीतला मंदिर था वो पूरी तरह से यहाँ पर डूब चुका है। यहीं पर शीतला मंदिर था, पूरी तरह से एकदम डूब चुका है कि कहीं से भी नहीं दिख रहा है। गंगा और शीतला माता का, दोनों लोगों का मिलन हो चुका है। यह है गंगा माँ का मंदिर, यहाँ पर भी लगभग पानी पहुँचने वाला है। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कैसे कैसे करके श्रद्धालु दूर दराज से जो आए हैं वो स्नान कर रहे हैं। आवाज़ चलेगा बिस्मिल्लाह।
जहाँ जगह मिले लोग वहीं कपड़े बदलने लग रहे हैं। इधर गंगा माता का मंदिर है, यहीं से हम नीचे उतर के जाते थे शीतला मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं बची है, पूरा इस समय भीड़ लगा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, तो देख रहे हैं आप लोग कितनी भीड़ लगी हुई है, सब स्नान करने के लिए परेशान है। समय गंगा में नावों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सारी नावें यहाँ पर खड़ी हैं, नावें मोटर बोट सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, और पुलिस NDRF लगातार यहाँ पे गश्त कर रही है, लोगों को समझा रही है कि वे सावधानी बरतें, और गंगा किनारे जो भी लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय शिव, जय काशी, हर हर गंगे।